गत दिवस मंडी जिला के पदर में बिलासपुर के संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक युवक द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में तूल पकड़ लिया है। आत्महत्या का ये मामला संबंधित युवक द्वारा आत्महत्या से पहले फेसबुक लाइव पर बिलासपुर से संबंधित कथित तौर पर कुछ रसूखदार लोगों को अपनी जान का दुश्मन बताने के बाद सुर्खियों में आया है। इस आत्महत्या को लेकर जिला में कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इस आत्महत्या के मामले में मृतक द्वारा लिए गए बिलासपुर के कथित लोगों के नाम सामने आने के बाद भाजयुमो सदर मंडल के प्रधान विनोद ठाकुर की अगुवाई में डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल व एएसपी को ज्ञापन सौंपा तथा इस ज्ञापन की प्रतियां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर व डीजीपी संजय कुंडू को भी प्रेषित की। ज्ञापन में कहा गया कि वे लोग क्यों अंशुल को पिछले कई महीनों से प्रताड़ित कर रहे थे, ऐसा क्या कारण था कि अंशुल को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। ज्ञापन में कहा गया है कि जब अंशुल ने फेसबुक लाइव किया तो फेसबुक लाइव की वीडियो किसने डिलीट की, ऐसे कौन से लोग थे जो अंशुल का पीछा कर रहे थे। ज्ञापन में विनोद ठाकुर ने कहा कि जब फेसबुक लाइव पर अंशुल ने उन लोगों के नाम लिए जिसके वजह से अंशुल इतना डरा हुआ था, तो मंडी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि फेसबुक लाइव पर अंशुल ने उन लोगों के फोन को चेक करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि फोन में ऐसा क्या था कि अंशुल इतना घबरा गया था और उसे अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। ज्ञापन में संबंधित लोगों की पिछले 6 महीनों की फोन की डिटेल निकाली जाए ताकि ये ज्ञात हो सके कि असलियत में ये क्या मामला है जिसकी वजह से एक युवक को आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये कौन लोग हैं जो इतने लंबे अरसे से सक्रिय थे। ज्ञापन में कहा गया कि युवा मोर्चा बिलासपुर को उड़ता बिलासपुर नहीं बनना देना चाहता है। ज्ञापन में मांग की गई है कि संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी अन्य घटना घटित न हो सके। इससे पहले भाजयुमो के पदाधिकारियों ने कथित लोगों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। मैं विनोद ठाकुर, सदर मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा बिलासपुर। पिछले दिनों एक दुर्घटना बिलासपुर में सामने आई है। बिलासपुर का एक युवक मंडी में अपने गांव गया, वहां पर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जीवन लीला समाप्त करने से पहले उसने फेसबुक लाइव के माध्यम से एक वीडियो शेयर किया और उसमें कुछ 5-6 लोगों के नाम लिए कि इनकी वजह से उन्हें प्रताड़ना हुई और इनकी वजह से वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन हम प्रशासन के माध्यम से यह मांग करते हैं कि फेसबुक वीडियो जब उन्होंने लाइव अपलोड किया तो कौन किस व्यक्ति ने वो वीडियो डिलीट किया, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कौन वो लोग थे जो उसके पीछे रात के 1-1 बजे इसको डराते थे, धमकाते थे। और अंशुल ने अपनी लाइव वीडियो में यह भी कहा था कि उन 5-6 लोगों के मोबाइल फ़ोन चेक किया जाए और उनके फ़ोन में ऐसा क्या है जो जिससे अंशुल बहुत डरा हुआ था, और ऐसा कौन सा माफिया राज है जो बिलासपुर में पिछले 6 महीनों से पंप पन पर आया, इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारी सरकार नशा माफियों और गुंडा माफियों के खिलाफ है और हमारी सरकार नशा माफियों को जड़ से समाप्त करना चाहती है और हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इस तरह का जो भी गुंडा माफिया और नशा माफिया बिलासपुर में पन रहे हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन गुनहगारियों को फांसी की सजा भी दी जाए। धन्यवाद।